उत्तर प्रदेश की कानपुर देहात से एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पर एक सप्ताह पहले घर से गायब हुई दलित महिला को जबरन ले जाकर धर्मांतरण कराने के आरोप में परिजनों के साथ बीजेपी के नेताओं ने थाने में हंगामा करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिलाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के रजधान का है, जहां रहने वाले बलवंत सिंह का आरोप है कि डेरापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले फहीम अहमद नाम का व्यक्ति ने उनकी बेटी को जबरन ले जाकर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना रहा था। बेटी ने किसी तरह से मुझसे संपर्क किया, मैंने थाने में जाकर इसकी जानकारी देते हुए बेटी छुड़वाने की गुहार लगाई तो थाने में मौजूद इंस्पेक्टर ने सुनवाई न करते हुए थाने से टरका दिया। भैया क्या मामला है जो आप लोग यहाँ थाने आ रहे हैं? हमारा ये मामला है, इसलिए थाने आया कि मेरी बिटिया सिलाई सीखने जाती थी और वो इसी तरीके से बिटिया को अगवा करके ले गया और उसके साथ गलत व्यवहार किया और उसको हड़का धमका के और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, क्योंकि बिटिया ने किसी भी तरीके से उसको वो मिला तो उसने हमसे संपर्क किया, तब हम उसको थाने पुलिस लेके आई। लड़का किस बरादरी का है, कौन? लड़का मुसलमान बरादरी का है, फहीम अहमद है। कब की घटना है ये? ये घटना 5 तारीख की। फिर उसके बाद आप लोग थाने आए, क्या हुआ? थाने आए तो हमने रिपोर्ट को कहा, दरोगा जी से कहा कि इस नाम का लड़का है सर, उसको पकड़िएगा, तो यहाँ हमको टहला दिया गया। मुकदमा लग गया? हाँ, मुकदमा लग गया। आरोपी गिरफ्तारी होगी कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई गिरफ्तारी। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। धर्मांतरण के मामले की जानकारी होने पर क्षेत्रीय भाजपा नेताओं ने थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा करने लगे। थाने में हंगामे की सूचना पर सीओ सिकंदरा मौके पर पहुंच गई और उन्होंने थाने में हंगामा कर रहे भाजपा नेताओं को किसी तरह से शांत कराया और कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं पीड़ित महिला को पुलिस ने बरामद कर लिया है। महिला डरी सहमी है, वो कुछ भी बोलने में अभी असमर्थ है। धर्मांतरण के मामले में थाने में हंगामा कर रहे भाजपा नेताओं का कहना है कि क्षेत्र की एक दलित बेटी को दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने 5 जुलाई को उसको बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। उसके पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, पर पुलिस ने सुनवाई नहीं की। लड़की बरामद हो गई है, पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है हम लोग देखने आए हैं। योगी जी की सरकार में कार्यवाही होके रहेगी, कोई भी ढीला ढवाली नहीं होने दी जाएगी। पुलिस के कानून के तहत जो कार्रवाई होगी पुलिस को करनी ही पड़ेगी। कानून सबके लिए है, जब शासन का प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है उसमें कोई हीरा हवाली नहीं होगी। सभी नेताओं की जानकारियों में यह मामला है, लड़की जेवर लेकर गई थी, उसके जेवर उसके पास नहीं, पैर में काला धागा बंधा हुआ है। लड़की पुलिस के पास मौजूद है, पुलिस लड़की से बयान करेगी। अभी लड़की बदहवास है, उसकी मानसिक स्थिति भी खराब है। वहीं पुलिस ने इस मामले में षड्यंत्र, रेप, धर्मांतरण और SC ST के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अतुल आ जाओ। भैया क्या मामला है जो आप लोग यहाँ थाने में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन नहीं करते, हमारे एक दलित समुदाय की बेटी को एक दूसरे धर्म का व्यक्ति बरगला के कहीं ले गया। ये घटना है 5 तारीख की, उसकी दूसरे दिन थाने में सूचना दी गई। वो लड़की अब बरामद हो गई है, कैसे बरामद हुई, लेकिन पुलिस के द्वारा घर के परिवार के लोगों को सूचना दी गई कि लड़की बरामद हो गई, आ जाइए। उस नाते आए थे कि इसमें क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो क्या रवैया रहा है जो अभी आप लोग पुलिस से इस प्रकार बातचीत चल रही थी? क्या रवैया? कुछ नहीं रहा, बातचीत का क्रम चल रहा है, बातचीत हो रही है। ये मोदी योगी जी का शासन है, यहाँ पर कोई ढीला हीला वाली नहीं होगी। तो क्या पुलिस की तरह से ये ढीला वाली पुलिस को करना ही पड़ेगा? कानून के तहत जो दायरे में कार्रवाई होती है वो करना ही पड़ेगा। कानून है, कानून सबके लिए। जब शासन का प्रशासन का रुख स्पष्ट है तो उसमें कोई हीला वाली नहीं होनी। हमारे वरिष्ठ नेताओं की जानकारी में सारा मामला आ रहा है, सब बातें हैं। तो क्या मामला कहीं धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है क्या? ऐसा ही महसूस होता है, ऐसा ही महसूस होता है। लड़की के साथ बताती है कि मैं जेवर लेकर के गई थी, उसके जेवर वगैरह भी उसके पास नहीं है, पैर में कुछ काला धागा वगैरह भी बांधा गया है। और बाकी जब पूरा लड़की के बयान हो, लड़की सामने आए, अभी पुलिस के पास है लड़की, बदहवास स्थित में है, उसको क्या प्रताड़ित किया गया है, क्या मानसिक यातना दी गई है, ये सब पूरा पता चलेगा विषय। तो पूरे मामले में अभी तक क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? अभी CO साहब आई नहीं है, CO साहब के साथ बैठ करके फिर बताते हैं क्या कार्रवाई कर रही, क्या कर रहे हैं।
इस मामले में सीओ सिकंदरा तनु उपाध्याय ने बताया कि सिकंदरा थाना क्षेत्र के रसधान में रहने वाली युवती की शादी 3 साल पहले अजीत मल थाना क्षेत्र के औरैया में हुई थी। उसको डेरा पर निवासी एक युवक द्वारा जबरन अपने साथ ले जाकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना किए जाने में युवती के परिजनों द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवती को बरामद कर परिजनों को सकुशल सौंप दिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद कानपुर देहात पर चौकी क्षेत्र रसधान की रहने वाली एक युवती जिसका विवाह करीब 3 वर्ष पूर्व अजीतमल थाना क्षेत्र औरैया में हुआ था को डेरापुर के एक युवक द्वारा जबरन अपने साथ ले जाने व उसको मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का एक प्रकरण संज्ञान में आया था। इसके संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि युवती के परिजनों द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। युवती इस समय सकुशल अपने परिजनों के साथ में है। नामित आरोपी युवक की तलाश व विभिन्न प्रकार के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करने के लिए टीमों का गठन किया जा चुका है। अन्य सभी प्रकार की वैधानिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। आरजीआई न्यूज 24 के लिए संवाददाता फरमान की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।